कैथलिक टीवी के प्रोग्राम बाइबल क्विज से मैं हूं आपकी होस्ट रोज जेस्पर। हमारे साथ मौजूद हैं रोजमेरी स्कूल के बच्चे। तो बच्चों, मैं आपकी भरपूर तालियों में आपको वेलकम कहती हूं। तो आज के हमारे बाइबल क्विज में 3 राउंड होंगे और हर राउंड में हर टीम से 5 सवालात पूछे जाएंगे और जो टीम अपने तमाम सवालात के जवाब दुरुस्त देगी वो आज की हमारी विनर टीम होगी। तो टीम ए, आज का पहला सवाल आपसे, रोज़ों का मतलब क्या है? रोज़े का मतलब परहेज़ करना, फाका करना, रुक जाना और बाज आना। जी टीम ए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। टीम बी, पहले राउंड का पहला सवाल आपसे, रोज़ा किस जुबान का लफ्ज़ है? रोज़ा फारसी जुबान का लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी जुबान में फास्टिंग कहते हैं। जी टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। टीम ए, पहले राउंड का दूसरा सवाल आपसे, रोज़ों के आयाम का आगाज़ कब से होता है? रोज़ों के आयाम का आगाज़ रात के बुध से होता है। जी टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। टीम बी, पहले राउंड का दूसरा सवाल आपसे, राग के बुध अपने माथे पर राग क्यों लगाते हैं? राग लगाने से हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम इंसान खाक हैं और खाक में लौट जाएंगे। जी टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। टीम ए, पहले राउंड का तीसरा सवाल आपसे, रोज़ों के आयाम में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? रोज़ों के आयाम में हमें तौबा और अंदरूनी तब्दीली पर ध्यान करना चाहिए। जी टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। टीम बी, पहले राउंड का तीसरा सवाल आपसे, तौबा का लफ्जी मतलब क्या है? तौबा का लफ्जी मतलब पछताना या पशिमान होने के हैं। जी टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। टीम ए, पहले राउंड का चौथा सवाल आपसे, रोज़ों के आयाम में हम किन खास पहलुओं पर गौर खोज करते हैं? रोज़ों के आयाम में हम खैरात, दुआ और रोज़े पर गौर खोज करते हैं। जी टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। टीम बी, पहले राउंड का चौथा सवाल आपसे, रोज़ा के मुतल्लिक यसु की क्या तालीमात हैं? यसु मसीह ने फरमाया, जब तुम रोज़ा रखो तो सिर पर तेल लगाओ और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जी टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। टीम ए, पहले राउंड का पांचवां और आखिरी सवाल आपसे, हम मसीही कितने रोज़े रखते हैं? हम मसीही 40 रोज़े रखते हैं। जी टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। टीम बी, पहले राउंड का पांचवां और आखिरी सवाल आपसे, हम मसीही रोज़ा क्यों रखते हैं? हम मसीही रोज़ा इसलिए रखते हैं कि अपनी बातनी और अंदरूनी तब्दीली और तजदीद से अपने दिलों को पकीज़ा करके यीशु के लिए खुद को तैयार करें। जी टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो इसी के साथ हमारे पहले राउंड का इख्तिताम होता है और हमारी दोनों टीम्स ने अपने तमाम सवालात के जवाब दुरुस्त दिए हैं। तो मैं चाहूँगी दोनों टीम्स अपने लिए भरपूर तालियां बजाएं। टीम ए, दूसरे राउंड का पहला सवाल आपसे, हम मसीही इतवार के दिन क्यों रोज़ा नहीं रखते? हम मसीही इतवार के दिन इसलिए रोज़ा नहीं रखते क्योंकि इतवार के दिन हमारे मसीह मुर्दों में से जी उठा, जिसे मिनी ईस्टर कहते हैं। ये दिन फतह का दिन है। जी टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। टीम बी, दूसरे राउंड का पहला सवाल आपसे, क्या हम रोज़े के वक्त पाक शराकत ले सकते हैं? जी हाँ, रोज़ा के वक्त हम पाक शराकत ले सकते हैं क्योंकि ये खुदा का बहुत बड़ा फजल है। जी टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। टीम ए, दूसरे राउंड का दूसरा सवाल आपसे, यसु इलानिया ज़िंदगी के आगाज़ से पहले कितनी बार आजमाया गया? यसु इलानिया ज़िंदगी से पहले 3 बार आजमाया गया। जी टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। टीम बी, दूसरे राउंड का दूसरा सवाल आपसे, यसु मसीह के दुखों के हफ्ते का आगाज कब से होता है? खजूरों के इतवार से हम यसु मसीह के दुखों का हफ्ते का आगाज करते हैं। जी टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां।
टीम ए, दूसरे राउंड का तीसरा सवाल आपसे। पाक जुमेरात को यसु मसीह ने कौन सा सैक्रामेंट मुकर्रर किया? पाक जुमेरात को यसु मसीह ने पाक यूक्रस्ट और कहानत का सैक्रामेंट मुकर्रर किया। जी, टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। टीम बी, दूसरे राउंड का तीसरा सवाल आपसे। गेथसमनी बाग में यसु ने क्या दुआ की? गेथसमनी बाग में यसु ने दुआ की, ऐ बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जी, टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए तालियां। टीम ए, दूसरे राउंड का चौथा सवाल आपसे। मसीह यसु को किस दिन सलीब दी गई? यसु मसीह को पाक जुमे को सलीब दी गई। जी, टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए तालियां। टीम बी, दूसरे राउंड का चौथा सवाल आपसे। मसीह यसु को सलीब किस मकाम पर दी गई? मसीह यसु को कलवरी पहाड़ पर सलीब दी गई। जी, टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए तालियां। टीम ए, दूसरे राउंड का पांचवा सवाल आपसे। सलीब पर यसु ने कितने कलमात अदा किए? सलीब पर यसु ने 7 कलमात अदा किए। जी, टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। टीम बी, दूसरे राउंड का पांचवा सवाल आपसे। सलीब किस चीज की अलामत है? सलीब हमारी निजात की जमानत और अलामत है। जी, टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी ख़त्म होता है और दोनों टीम्स ने इस राउंड में भी अपने तमाम सवालात के जवाब दुरुस्त दिए हैं, तो दोनों टीम्स अपने लिए भरपूर तालियां बजाएं। टीम ए, तीसरे राउंड का पहला सवाल आपसे। राह कलवरी में यसु मसीह कितनी बार गिरे? राह कलवरी में यसु 3 बार गिरे। जी, टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। टीम बी, तीसरे राउंड का पहला सवाल आपसे। गेथसमनी बाग में किस शागिर्द ने सिपाही का कान उड़ा दिया? गेथसमनी बाग में पतरस रसूल ने सिपाही का कान उड़ा दिया। जी, टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए तालियां। टीम ए, तीसरे राउंड का दूसरा सवाल आपसे। मसीह यसु का कितने सिक्कों के बदले में सौदा किया गया? मसीह यसु का 30 सिक्कों में सौदा किया गया। जी, टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए तालियां। टीम बी, तीसरे राउंड का दूसरा सवाल आपसे। मसीह यसु ने सलीब पर अपनी माँ मरियम को किस शागिर्द के सपुर्द किया? मसीह यसु ने अपनी माँ मरियम को अपने प्यारे शागिर्द यूहन्ना के सपुर्द किया। जी, टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए तालियां। टीम ए, तीसरे राउंड का तीसरा सवाल आपसे। मसीह यसु के सलीब पर क्या लिख कर लगाया गया? मसीह यसु के सलीब पर यहूदियों का बादशाह लिख कर लगाया गया। जी, टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए तालियां। टीम बी, तीसरे राउंड का तीसरा सवाल आपसे। रोजों के आयाम में कौन सा लतूरियाई रंग होता है? रोजों के आयाम में लतूरियाई रंग जामनी होता है। जी, टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए तालियां। टीम ए, तीसरे राउंड का चौथा सवाल आपसे। मसीह यसु की सलीब उठाने में किस शख्स ने मदद की? यसु मसीह की सलीब उठाने में शमौन करीनी ने मदद की। जी, यसु मसीह की सलीब उठाने में शमौन करीनी ने मदद की। टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए तालियां। टीम बी, तीसरे राउंड का चौथा सवाल आपसे। राख के बुत पर जो राख लगाई जाती है वो किस से बनती है? पिछले साल खजूरों के इतवार पर जो डालियां इस्तेमाल होती हैं उनको जलाकर राख बनाते हैं, उस राख को माथे पर लगाया जाता है। जी, टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए तालियां। टीम ए, तीसरे राउंड का आखिरी सवाल आपसे। किस शख्स ने मसीह यसु की लाश की इजाज़त पिलातूस से मांगी? यूसुफ रामती ने बड़ी जुर्रत कर पिलातूस से यसु मसीह की लाश मांगी। जी, यूसुफ रामती ने बड़ी जुर्रत करके पिलातूस से मसीह यसु की लाश मांगी। टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए के लिए भरपूर तालियां। टीम बी, तीसरे राउंड का आखिरी सवाल आपसे। सलीब के पास 12 रसूलों में से कौन सा शागिर्द मौजूद था? सलीब के पास यसु का प्यारा शागिर्द मुकद्दस यूहन्ना मौजूद था। जी, यसु मसीह का सबसे प्यारा शागिर्द मुकद्दस यूहन्ना सलीब के पास मौजूद था। टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी के लिए भरपूर तालियां। तो इसी के साथ हमारे सवालों जवाबात का सिलसिला ख़त्म होता है और हमारी दोनों टीम्स ने प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक तमाम सवालात के जवाबात दुरुस्त दिए हैं। तो हमारी दोनों टीम्स आज की विनर टीम्स हैं। तो दोनों टीम्स अपने लिए भरपूर तालियां बजाएं।